कुत्तों और बिल्लियों के लिए घर ढूंढना कभी कभी बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे आप अपने रेस्क्यू के लिए आसानी से घर ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले उनकी अच्छी तस्वीरें लें। ध्यान रखें कि आपका जानवर कैमरा की ओर देख रहा है और फोटो में लाइट और फोकस सही हो। उनकी अलग अलग तस्वीरें लें, एक जिसमें वो कैमरा की ओर देख रहा हो, एक जिसमें वो कोई इंसान से खेल रहा हो और एक और जिसमें वो दूसरे पेट्स के साथ खेल रहा हो। तस्वीरों के माध्यम से लोग आपके जानवर का व्यक्तित्व पहचानेंगे। गुड बैड, गुड बैड, गुड बैड। अपने दोस्तों को इनके तस्वीरें और जानकारी शेयर करने को बोलें। उन्हें ऐसा कुछ लिख के दें ताकि वो अपने फेसबुक, मैसेंजर और ईमेल में डाल सकें। ये जानकारी समझने और शेयर करने में आसान होनी चाहिए। इस जानकारी में इनका नाम, उम्र, लिंग, व्यक्तित्व, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और स्थान डालना मत भूलिए। ये जानकारी को आप सबके साथ शेयर करें और जिनके भी साथ आप शेयर कर रहे हैं उनका नाम लिखना ना भूलें। अलग अलग अडॉप्शन ग्रुप्स में भी पोस्ट करें, इससे आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अपने ही लोकेशन के ग्रुप्स में पोस्ट करें क्योंकि लोगों को लोकली अडॉप्ट करने में आसानी होती है। भारत में अडॉप्शन के लिए आप इन जगह पर पोस्ट करें, अडॉप्ट पेट, अडॉप्ट रेस्क्यू लव, अडॉप्ट अ होमलेस एनिमल और इंडियन एनिमल फोरम। आप एनिमल रेस्क्यूज को भी इस जानकारी को शेयर करने के लिए बोल सकते हैं, पर ध्यान रखें कि ये बहुत सारे जानवरों को रेस्क्यू करते हैं जिन्हें पहले से ही घर की जरूरत होती है, तो ये ना भी कह सकते हैं, तो इनसे विनम्रता से पेश आए। आप अपने ही एरिया में अडॉप्शन पोस्टर्स भी लगा सकते हैं। अगर इनके अडॉप्शन पोस्टर्स में फोटोज बहुत क्यूट हैं, तो इनके अडॉप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोरोना खत्म होने के बाद आप इन्हें अडॉप्शन इवेंट्स पे भी लेके जा सकते हैं। ये हर शहर में तो नहीं होता है, लेकिन बड़े शहरों में जरूर होता है। अडॉप्शन ग्रुप्स में आप ऐसे इवेंट्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अपने जानवर को कोई इवेंट पे लेके जाने से पहले एक बार ऑर्गेनाइजर से बात कर लें, क्योंकि अलग अलग इवेंट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। जब आपके पास कॉल आने लगे तब आपको ये देखना है कि इनके लिए ये सही घर है कि नहीं। उनसे ये सवाल पूछें, क्या इनके पास और पेट्स हैं? क्या उनके पास पहले पेट्स थे? घर में और कौन रहता है? क्या सभी घर वाले अडॉप्शन को लेकर सहमत हैं? उनका घर खुद का है कि किराए का? क्या मकान मालिक इससे ठीक है? उनकी दिनचर्या क्या है? उनका पेट दिन में कितने घंटे अकेले रहेगा? पेट के कसरत के लिए क्या प्लान है? अगर वो कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो पेट के साथ क्या करेंगे? आप एक बार उनके घर जाके भी देख सकते हैं। इससे आप ये जान सकते हैं कि ये घर आपके रेस्क्यू के लिए अच्छा है कि नहीं। लेकिन अब कोरोना के चलते हुए आप उनसे एक वीडियो टूर भी मांग सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने आप से ईमानदार रहें। अगर आपको लगता है कि ये घर आपके रेस्क्यू के लिए सही नहीं है तो वो सही नहीं है। अपनी खोज जारी रखें। अगर एक बार पोस्ट करने के बाद आपको घर नहीं मिला तो हार मत मानिए। अपने दोस्तों की मदद लें और पोस्ट शेयर करते रहें। कभी ना कभी आपको एक अच्छा घर मिल ही जाएगा। क्या आपके पास कोई और टिप्स हैं? अगर है तो हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। क्या आपको और टिप्स, ट्रिक्स, फर्स्ट एड और ट्रेनिंग वीडियोस चाहिए? तो पीपल फार्म हेल्पलाइन को यूट्यूब पे फॉलो करें।